हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्वप्निल करंट अफेयर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का जो टायर टू एग्जामिनेशन होता है यानी जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है उसका एग्जाम पैटर्न तथा 2015-2016 में किस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे, चाहे वो एसे हो या लेटर हो। ऑन दैट बेसिस 2017 में किस टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस बारे में ये वीडियो है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इसका पैटर्न देखेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ पॉइंट्स देखने वाले हैं जो आपको नोट डाउन करना है, और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे 2015 में आपको किस टॉपिक के ऊपर एसे और लेटर लिखना था। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 2016 के बारे में, और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे हमारे एसे टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, किन टॉपिक्स के ऊपर आपको एसे पूछे जा सकते हैं 2017 में सीएचएसएल के एग्जाम में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ में हम लोग लेटर के ऊपर डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के लेटर आपको पूछे जा सकते हैं। उसी के साथ मैं एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे भी काम कर रहा हूँ जो जल्दी ही प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगा। आने वाले 6-7 दिन में इसका काम कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में इसके ऊपर मैं वीडियो बना के आप तक ये बात पहुंचा दूंगा। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल टायर 2 यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर का एग्जाम पैटर्न के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके दो सब्जेक्ट होने वाले हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट आपका होगा एसे राइटिंग, जो आपको 200 से 250 वर्ड लिमिट आपको दी जाएगी। ठीक है, आपको जो दी गई वर्ड लिमिट है उसको आपको मेंटेन करना है। एसे राइटिंग में आपको 200 से 250 वर्ड में आपको जो है एसे लिखना है। मैक्सिमम आप 10% एक्स्ट्रा वर्ड ले सकते हो, बट आपको जो है अप्रोक्सीमेटली 250 वर्ड्स में ही आपको जो है एसे लिखना है। उसमें आपके सारे टॉपिक्स जो है कवर हो जाने चाहिए। एसे राइटिंग किस तरीके से करना है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। लेटर या फिर एप्लीकेशन राइटिंग, ये आपको लिखना है। इसके लिए वर्ड लिमिट आपको दी गई है, 150 टू 200 वर्ड लिमिट आपको दी गई है। यहाँ पे भी आप अप्रोक्सीमेटली 10% मैक्सिमम जा सकते हो वर्ड लिमिट के, बट आपको विद इन 200 वर्ड लिमिट के अंदर ही आपको लेटर या फिर एप्लीकेशन लिखना है। लेटर या फिर एप्लीकेशन किस तरीके से लिखना है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। आप जब भी कोई सर्च करते हो गूगल पे तो आप स्वप्निल करंट अफेयर्स लेटर या फिर एप्लीकेशन राइटिंग अगर आप इस तरीके से सर्च करोगे तो आपको जो है रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों सब्जेक्ट जो है आपके एसे राइटिंग तथा लेटर तथा एप्लीकेशन राइटिंग के लिए आपको समय दिया जाता है 1 घंटे का। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपको 20 मिनट यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ठीक है, और इन दोनों सब्जेक्ट के लिए आपको मैक्सिमम मार्क्स दिए जाते हैं 100 मार्क्स। ठीक है, यानी एसे राइटिंग के लिए आपको 50 नंबर तथा लेटर या फिर एप्लीकेशन राइटिंग के लिए यहाँ पे आपको 50 नंबर दिए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कुछ पॉइंट्स के बारे में जो आपको याद रखना है। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द डिस्क्रिप्टिव पेपर विल बी 33%, यानी कम से कम आपको 33% लेना ही है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आप 33% से अगर कम मार्क्स लेते हो तो अगर आपको पेपर वन में कितने भी हायर मार्क्स होने दो, अगर आप पेपर टू डिस्क्वालीफाई कर जाते हो तो आपका जो है अगर मेरिट में भी आप अगर बनते होंगे, आपके 32 प्लस पेपर वन के मार्क्स अगर आपको जोड़ के उतने नंबर्स बनते भी है तब भी आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। ऐसा काफी कम टाइम होता है कि 33% कैंडिडेट मार्क्स नहीं लेता है। ठीक है, 33 से ज्यादा ही लेता है मैक्सिमम। यहाँ पे 70-80% तक भी कैंडिडेट्स यहाँ पे स्कोर कर लेते हैं। ठीक है, ये स्कोरिंग होता है एसे तथा लेटर। एसे तथा लेटर जो है ये एक स्कोरिंग पार्ट ही है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 की अगर बात करेंगे, द मार्क्स ऑफ द डिस्क्रिप्टिव पेपर विल बी इंक्लूडेड विद टायर 2 एग्जाम टू डिसाइड द मेरिट लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। यानी आपके पेपर 1 के मार्क्स तथा पेपर 2 के मार्क्स मिला के ही आपकी मेरिट लगती है। ठीक है, तो पेपर 1 में आपके जितने भी मार्क्स होंगे और पेपर 2 में आपने 33% से ज्यादा यानी 100 का 33% यानी 33 नंबर्स हो जाते हैं, तो आपको यहाँ पे 100 में से आपको मैक्सिमम 70-75 नंबर्स आपको लेना है। तो पेपर 1 और पेपर 2 के मार्क्स मिला के आपकी मेरिट बनती है और उस मेरिट के आधार पे आपका जो है जॉब सिलेक्शन यहाँ पे होता है। तो यही थे 2 पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल डिस्क्रिप्टिव पेपर 2015 में कौन से टॉपिक पूछे गए थे। ऑन दैट बेसिस हम लोग डिस्कस करेंगे 2017 में आपको किस तरीके का टॉपिक आ सकता है। ठीक है, तो एसएससी सीएचएसएल डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है 2015 का वो हुआ था 18th of September 2016 को। तो यहाँ पे जो आपको एसे लिखना था उसकी वर्ड लिमिट थी 250 वर्ड्स की, और आपको टॉपिक दिया गया था स्वच्छ भारत मिशन यानी स्वच्छ भारत अभियान या फिर क्लीन इंडिया मिशन। तो ये सारे घुमा फिरा के जो है एक ही टॉपिक बनता है। तो स्वच्छ भारत मिशन पे आपको ऐसे लिखना था या फिर क्लीन इंडिया मिशन भी आप इसे कह सकते हो। ठीक है, अगर लेटर की यहाँ पे बात करेंगे तो लेटर आपको 200 वर्ड्स में लिखना था और टॉपिक दिया गया था
write a letter to the sports secretary about the assessment of performance of India in Rio Olympic 2016 and suggestion to improve the performance in next Olympic. ये टॉपिक मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो है आपका 2017 में जो एग्जाम होने वाला है आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद है. ठीक है, हम लोग भी बात करने वाले हैं 2016 कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम में पूछे गए एसे तथा लेटर टॉपिक. तो 2016 कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल में आपको पूछा गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे टॉपिक आपको यहाँ पे पूछा गया था. तथा लेटर का जो टॉपिक था वो था राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड अबाउट डिजिटल इंडिया. तो यहाँ पे जो दोनों टॉपिक है वो स्कीम के ऊपर दिए गए. ठीक है, दोनों जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, मोदी सरकार की जो ये दोनों स्कीम्स है. तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो वहां पे भी स्वच्छ भारत अभियान और यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और डिजिटल इंडिया, तो ये सारे स्कीम्स के ऊपर आपका जो है फोकस हो रहा है. तो हम लोग भी बात करेंगे 2017 में होने वाले जो कुछ ऐसे आपको जो मैं कराने वाला हूँ तो वो भी हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे. तो अगर कुछ एक्सपेक्टेड अगर ऐसे की बात करेंगे तो अभी जो हाल फिलहाल में जो वायलेंस चल रहा है वुमेन के खिलाफ, तो हो सकता है आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ जाए. ये अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है तो इससे रिलेटेड आपको और कोई क्वेश्चन आ सकता है. ये ऐसे अगर आप कर लेते हो तो आपको जो है कोई और टॉपिक भी अगर पूछता है तो आप जो है पॉइंट वहां पे मैच कर सकते हो. ठीक है, तो ऐसे ऑन वायलेंस अगेंस्ट वुमन इन इंडिया. सेकंड हम लोग बात करने वाले हैं डीमोनेटाइजेशन. आपको डीमोनेटाइजेशन के ऊपर ऐसे पूछने के यहाँ पे चांसेस है. अगर आप जीएसटी बिल के ऊपर एंड इट्स बेनिफिट्स के ऊपर आप ऐसे करके जाते हो और आपको डीमोनेटाइजेशन के ऊपर अगर ऐसे आता है तो आप जो है जीएसटी बिल के लिए आपका पड़ेगा जो पॉइंट्स है वो आप डीमोनेटाइजेशन में इंक्लूड कर सकते हो. उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना, इस टॉपिक के ऊपर आपको ऐसे पूछा जा सकता है. स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंडअप इंडिया, ये स्कीम के ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछे जाने के काफी अच्छे चांसेस है. कैशलेस इकोनॉमी के ऊपर भी आपका क्वेश्चन बनता है. ठीक है, ये सभी जो है एक दूसरे से कोरिलेटेड है. आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप अगर कोई ऐसे टॉपिक अगर करके जाते हो तो आपको अगर कोई भी टॉपिक आया तो उसको आपको मैच करना है. नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं इसी के ऊपर. अगर आपको अगर ऐसे आता है मान लेते हैं डिजिटल इंडिया के ऊपर मेकिंग रूरल इंडिया डिजिटली लिटरेट, अगर मान लेते आपको डिजिटल इंडिया के ऊपर ऐसे नहीं भी आता है और आपने डिजिटल इंडिया के ऊपर अच्छे से ऐसे करके गए हो तो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेवलपमेंट ऑफ नेशन, अगर ये टॉपिक आता है तो डिजिटल इंडिया का जो भी पॉइंट्स है वो आप रोल ऑफ टेक्नोलॉजी में यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो. उसके बाद हम लोग बात करेंगे इरेडिकेशन ऑफ ब्लैक मनी फ्रॉम कंट्री स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट ने यानी भारत सरकार ने ब्लैक मनी के खिलाफ जो अभियान चलाया है उसको खत्म करने के लिए जो जो स्टेप्स उठाए हैं. अगर आपने ये टॉपिक करके गए हो या फिर मान लेते आपने रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेवलपमेंट नेशन करके गए हो या फिर डिजिटल इंडिया करके गए हो तो आप जो है ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है इरेडिकेशन ऑफ ब्लैक मनी में यूज कर सकते हो. ठीक है, उसके साथ में हम लोग बात करेंगे भीम ऐप एंड इट्स इफेक्ट्स के ऊपर. ठीक है, तो भीम ऐप के ऊपर भी आपको ऐसे पूछा जा सकता है. ये भी एक कैशलेस इकोनॉमी अगर आप करके जाते हो तो आपको भीम ऐप वहां पे इंक्लूड करना है. आपको शायद समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे और कुछ ऐसे टॉपिक्स की. यहाँ पे आपको कुछ स्कीम्स के ऊपर जैसे कि मैंने कहा है कि आपको स्वच्छ भारत अभियान तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इन टॉपिक्स के ऊपर आपको ऐसे पूछे गए हैं. तो यहाँ पे आपको उड़ान स्कीम, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, सौभाग्य स्कीम, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 2017 यानी द ओल्ड एज पेंशन स्कीम, मिड डे मील स्कीम, प्रवासी कौशल विकास योजना यानी स्किल्स इन लाइन विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया, हाउ टू क्योर एंड करप्शन इन इंडिया, ये सारे टॉपिक्स भी आपको करके जाना है. मान लेते अगर इन टॉपिक्स के ऊपर आपको ऐसे नहीं भी आता है फिर भी आपको जो है लेटर में इस तरीके का जो है आपको देखने को मिल सकता है. राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर और उड़ान स्कीम के बारे में आपको जो है वहां पे इंक्लूड करना होगा या फिर मेक इन इंडिया के बारे में आपको यंगर ब्रदर को लिखना है या फिर आपको किसी को समझाना है किसी फ्रेंड्स को समझाना है. ठीक है, तो आपको ये स्कीम्स जो है सारी करके जाना है. उसी के साथ हम बात करेंगे लेटर के ऊपर. जैसे कि मैंने आपको कहा है कि राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड यानी अबाउट अ स्कीम आपको जो है समझाना है. ठीक है, उसी के साथ साथ आपको राइट अ लेटर टू अ म्युनिसिपल अथॉरिटी, एक तो आपको रिक्वेस्ट करना होगा या फिर कंप्लेंट लेटर आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर और सिस्टर टू लेट हर नो द इंपॉर्टेंस ऑफ इन गवर्नमेंट स्कीम, जो हमारा पहला पॉइंट हो गया है. ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे राइट अ लेटर इन 200 वर्ड्स टू डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन रिक्वेस्टिंग और कंप्लेनिंग अबाउट सम स्टाफ मेंबर्स डिमांडिंग ब्राइब इन योर डिपार्टमेंट, यानी आपके डिपार्टमेंट में अगर कोई घूस मांगता है यानी अगर कोई पैसे की डिमांड करता है तो आपको उसके खिलाफ जो है कंप्लेंट करना है. एक कंप्लेंट लेटर यहाँ पे आपको लिखना है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को. इस तरीके से आपके कुछ टॉपिक्स यहाँ पे बनते हैं. ठीक है, बट मेरे हिसाब से आपको मैक्सिमम जो है स्कीम्स पे ज्यादा तवज्जो देना है यानी ध्यान देना है, स्कीम्स आपको ज्यादा करना है.
मैंने तकरीबन 25 एसेज जो है अपलोड किया हो, मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, या फिर आप जब भी कोई एसे या फिर सर्च करते हो या कोई टॉपिक सर्च करते हो तो आप जो है चैनल नेम वहां पे डाल दीजिए, स्वप्निल करंट अफेयर्स। अगर हो सकता है वो टॉपिक पे मैंने वीडियो नहीं बनाया हो तो आप कमेंट कर दीजिए, वो टॉपिक के ऊपर भी मैं जल्दी वीडियो आपके सामने लेके आ जाऊंगा। इसी के साथ मैं एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे काम कर रहा हूँ जिसका लोगो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ये जल्दी ही गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगा। आने वाले 7 से 8 दिनों में इसका काम कंप्लीट हो जाएगा और इसके ऊपर मैं छोटा सा वीडियो बना के अपडेट दे दूंगा। तो यही पे हम लोग अपनी वीडियो को एंड करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज। थैंक यू वेरी मच।